हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, बहुत ही जल्द हेडमास्टर के हाथ में होंगे टेबलेट। सरकार नवंबर 2019 तक प्रत्येक एबीआरसी, खंड शिक्षा अधिकारी, बीएसए और हेडमास्टर के हाथ में टेबलेट देगी। इस टेबलेट का प्रयोग वो दोस्तों कैसे करेंगे? अभी हाल ही में सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि बेसिक में जो भी शिक्षक टीचिंग कर रहे हैं वो प्रेरणा ऐप स्मार्टफोन के माध्यम से डाउनलोड कर लें और प्रेरणा ऐप पे जो भी बिंदु हैं, वो चाहे स्कूल की में शिक्षकों की उपस्थिति हो, बच्चों की उपस्थिति हो, जो बच्चे MDM रेगुलर ले रहे हों उनकी फ़ोटोग्राफ्स हो, या स्कूल में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, उनकी फ़ोटो शूट करके उसी प्रेरणा ऐप पे डाउनलोड करनी है। लेकिन हेडमास्टर्स जितने भी हैं उन लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, क्योंकि लोग अपने निजी मोबाइल और डेटा के माध्यम से कोई भी सरकारी योजना में सहयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि उनके जो पर्सनल उसमें प्राइवेसी की चीज़ें हैं, उसमें जो पर्सनल जो उनके निजी बातें हैं, हो सकता है कोई वाह ऐप के माध्यम से वो सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएं और भी तमाम व्यवहारिक समस्याएं हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार हेडमास्टर के हाथ में टेबलेट नवंबर 2019 तक दे देगी। आते हैं पूरी की पूरी न्यूज़ से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ है, प्रधानाध्यापकों के हाथ में होगा टेबलेट, सेल्फी से लगेगी हाजिरी। पूरी की पूरी न्यूज़ आपके सामने दोस्तों कवर करते हैं। सभी स्कूलों की जानकारी तुरंत अपडेट करने और उपस्थित दर्ज कराने के लिए स्कूलों में शिक्षा विभाग की ओर से टेबलेट वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को सूचना दे दी है। यह प्रक्रिया 1 नवंबर से लागू होगी। विभाग की ओर से वितरित किए गए टेबलेट से स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षकों की संख्या सहित मिड डे मील, छुट्टी जैसी समस्त जानकारियां स्कूल से विभाग को अपडेट की जा सकेंगी। उपस्थिति को लेकर सरकार ने हाल ही में प्रेरणा ऐप लॉन्च किया है, जिसे लेकर प्रदेश भर में शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। विभाग ने अब नवंबर तक सभी जनपदों में टेबलेट उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। यह टेबलेट प्रत्येक स्कूल के हेडमास्टर, खंड शिक्षा अधिकारी, एबीआरसी, एबीएसए और बीएसए को भी दोस्तों दिया जाएगा। 3 बार, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, 3 बार लेट उपस्थिति दर्ज कराने पर 1 दिन का वेतन काटने का प्रावधान है। द पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, अगर आप 3 बार लेट हो जाते हैं, 3 बार उपस्थिति अगर आपकी लेट हो जाती है, तो आपका 1 दिन का दोस्तों वेतन कट जाएगा। टेबलेट के माध्यम से ही बच्चों की सेल्फी भेजी जाएगी और उसी आधार पर फंड भी स्कूल को दिया जाएगा। जो बच्चों की संख्या रहेगी, आप MDM में जो बच्चों की संख्या भरते हैं, वो जो टेबलेट में प्रेरणा का सॉफ्टवेयर होगा वो बच्चों को एक्सेस कर लेगा, उसी के आधार पे जो भी धनराशि होगी स्कूल को मिलेगी। BSA, चूँकि न्यूज़ आगरा की है और राज्य स्तर की न्यूज़ है, BSA ओमकार सिंह ने बताया कि विभाग की यह योजना पुरानी है। सूचना के अनुसार जो ये योजना टेबलेट की न्यूज़ तो पुरानी है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है उसमें ये बात हो रही कि 1 नवंबर तक टेबलेट उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके उपयोग में आते ही रजिस्टरों का आधा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी स्कूल से अगर आप प्रस्थान करते हैं तो आप रजिस्टर पर लिखते हैं, MDM में तमाम चीज़ें एंट्री हैं, रजिस्टर पर लिखते हैं, बच्चे भी रजिस्टर पर ही अंकित हैं, तो टेबलेट आते मान ही ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो जाएंगी। स्कूल का जो रजिस्टर का वर्क है, प्रिंटिंग वर्क, वो डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। टेबलेट के माध्यम से हर प्रकार की छुट्टी व प्रेरणा ऐप से सेल्फी के माध्यम से उपस्थिति आपकी दर्ज होगी। तो दोस्तों,
बहुत जल्द नवंबर 2019 में जब आपके हाथों में टेबलेट होगा तो शायद ये बहाना कि हम अपने स्मार्टफोन या टेबलेट के माध्यम से सूचनाएं नहीं देंगे नहीं चल पाएगा। और सरकार बहुत तेज़ी से ये टेबलेट आपके हाथों में देने का पूरी की पूरी तेज़ी के साथ दोस्तों कोशिश कर रही है। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन दोस्तों अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब इट बाई पुशिंग द बेल आइकन। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करेंगे बराबर से एक बेल आइकन आएगा, उसे दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।